अच्छे से अच्छे फ़ोन भी ज़्यादा नहीं टिकते। समय के साथ अच्छे से अच्छे दोस्त भी बदल जाते हैं, कभी कभी अच्छे से अच्छे प्लान भी चौपट हो जाते हैं। गाइज, इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत यूज़ करते हैं। इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे, इसके लिए कौन से स्ट्रक्चर की यूज़ करेंगे, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। इस प्रकार के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहने से पहले हमको पहले इसके मीनिंग को समझना पड़ेगा। आपने नोटिस किए होंगे इन सभी सेंटेंस में जो फ्रेज कॉमन है वो है अच्छे से अच्छा। अच्छे से अच्छा या फिर अच्छे से अच्छे, इसका मीनिंग एक्चुअल में क्या होता है? इसका मीनिंग एक्चुअल में ये होता है ना, अच्छों में से सबसे अच्छा। हाँ ना गाइज, देखिए इस प्रकार के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए आपको ये स्ट्रक्चर फॉलो करनी पड़ेगी। पहले आपको लिखना पड़ेगा इवन द बेस्ट ऑफ, इसके बाद प्लूरल नाउन, इसके बाद रिमेनिंग सेंटेंस। चलिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। अच्छे से अच्छे फ़ोन भी ज़्यादा नहीं टिकते। इवन द बेस्ट ऑफ फोन्स डोंट लास्ट लॉन्ग। इवन द बेस्ट ऑफ फोन्स डोंट लास्ट लॉन्ग। आजकल तो अच्छे से अच्छे रिश्ते भी टूट जाते हैं। इवन द बेस्ट ऑफ रिलेशंस ब्रेक नाउअडेज। इवन द बेस्ट ऑफ रिलेशंस ब्रेक नाउअडेज। समय के साथ अच्छे से अच्छे दोस्त भी बदल जाते हैं। इवन द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स चेंज विथ टाइम। इवन द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स चेंज विथ टाइम। कभी कभी अच्छे से अच्छे प्लान भी चौपट हो जाते हैं। इवन द बेस्ट ऑफ प्लान्स फेल समटाइम्स। इवन द बेस्ट ऑफ प्लान्स फेल समटाइम्स। उसने अच्छे से अच्छे प्रस्ताव भी ठुकरा दिया। इवन द बेस्ट ऑफ प्रपोजल्स ही हैज रिजेक्टेड। इवन द बेस्ट ऑफ प्रपोजल्स ही हैज रिजेक्टेड।